Assalamu alaikum friends and welcome back to my channel. Please subscribe my channel and hit the bell icon for latest updates. Novel ka naam hai Gumaan se Yaqeen tak aur isko tehreer kiya hai Sadaf Rehan ne. Ye ek mukammal novel hai aur ye is novel ka pehla hissa hai. Haan bhai Mia sahabzade, phir kya socha hai tumne? Kitchen counter ke saath rakhe stool par baithte Kabir Hashmi ne pucha. वो सामने रखे जूस से भरे ग्लास को काफ़ी देर से घूर रहा था. हनोज इसी शोल को जारी रखते हुए फकत कंधे उचका दिए. लो ये क्या बात हुई भला, यहाँ तुम इतने लापरवाह हो और वहाँ उमर का वो आलम है कि उसे तो आजकल अपनी बीमारी भी भूल गई है. इसके पास तो और कोई टॉपिक ही नहीं रहा बात करने के लिए, वो तो अपने तई सब मामला तय किए हुए है. इसका अंदाज़ा है कि तुम उसे इनकार नहीं करोगे और ख्याल तो मेरा भी यही है कि तुम ये गोल्डन चांस मिस नहीं करोगे. कंधों पर डालते तौलिए से चेहरा पोछते हुए वो बोल रहे थे. उसने आखिरी फिक्रे पर आंखें चंदिया कर उन्हें देखा. हाँ तो गोल्डन चांस ही हुआ ना बेटा जी, उम्र हबीब की नज़र इंतखाब तुम पर ठहरी है, ये कोई मामूली बात नहीं. यहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी के बेशुमार लोग हैं जो इससे उम्मीद लगाए बैठे थे और इसने सबको छोड़कर तुम्हें अहमियत दी है, तो जान लो कि खुशनसीबी खुद चलकर तुम्हारे दरवाजे तक आ गई है. और फिर तुम भी किसी से कम थोड़ी हो, कबीर हाशमी के भांजे हो. इनके अंदाज़ में तफाखुर था. ऑमलेट के लिए प्याज काटती फौजिया ने पलट कर देखा. इसने भी नज़र उठाई और दोनों बेइख्तियार मुस्कुरा दिए. इनकी ज़बान में खुजली हुई थी. वाह जी, आप तो बड़े सियाने हैं, सारा क्रेडिट खुद ही ले लिया, जबकि उमर भाई ने मुझे बताया था कि हमारा शहज़ादा इन्हें पहली ही नज़र में बहुत अच्छा लगा था और पूरे 1.5 साल वो उसे जांचते रहे हैं और उन्हें इत्मीनान है कि न सिर्फ सूरत बल्कि सीरत में भी ज़ोमीर हाशमी को इन्होंने बेमिसाल पाया है. खुशकिस्मत ज़ोमीर ही नहीं बल्कि उमर भाई भी तो नसीब वाले हैं, ऐसा पला पलाया खूबियों वाला बेटा भला मिलता है आज के दौर में. उन्होंने एक प्यार भरी नज़र इस पर डाली थी. हाँ ये तो है, ऐ वही ने तो वह तलबगार बन गए. क्यों भाई शहजादे, कबीर हाशमी बीवी के हमनवा हुए थे, उसे देखा वो गर्दन ने उड़ाए ग्लास के किनारों पर उंगलियां फेर रहा था. ये लो भाई, एक हम है जो सारा किस्सा समेटे बैठे हैं और ये मौसूफ इधर ज्ञान से ही बाहर नहीं आ पा रहे. अरे मियाँ मैं पूछता हूँ, अब किन सोचों में पड़े हो? तुम्हें तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए जो ऐसे बेदीद लोगों के देश में तुम्हारे लिए वसीला पैदा कर रहा है. गुज़िश्ता 3 साल से तुम यहाँ धक्के खा रहे हो, मामूली नौकरियाँ करने पर मजबूर हो. रहने के लिए 10x12 के कमरे में एक बेड की ही जगह है तुम्हारे पास, जहाँ तुम्हारे साथ 4 लोग और कमरा शेयर करते हैं, जिनमें से 2 इंडियन हैं जो आए दिन तुम्हारे साथ कोई ना कोई पंगा डाले रखते हैं. एक फिलिपाइनी है जो रात भर नींद में बड़बड़ाता रहता है और एक तुम्हारा हम वतन है जो तुम्हारी ही तरह दिन भर की कड़ी मुशक्क़त के बाद जब अपने मैट्रेस पर गिरता है तो दुनिया और माफिया से बेखबर ऊँचे ऊँचे खर्राटे देता है. अब ऐसी सूरत हाल में पूरी नींद भी मैसर नहीं है वहाँ. फिर जो भी कमाते हो सबका सब घर भेज देते हो और खुद चंद पाउंड में घिसड़ घिसड़ कर पूरा महीना गुजारते हो. कितनी जिम्मेदारियां हैं तुम्हारे सर पर, ख़ानदान की किफालत, भाई की तालीम, बहनों की शादियां और फिर सबसे बढ़कर अपने बाप की हक हलाल की कमाई वापस लेने के लिए इस खबीस शख्स पर मुकदमा भी तो करना है तुमने. और वहाँ की अदालतों के हालात तो किसी से भी ढके छुपे नहीं. इन सब हालात को देखते हुए भी तुम सोचने का तकल्लुफ़ करो तो मुझे हैरत है तुम पर. जैनी इकलौती बेटी है उमर हबीब की, इसका तमाम बिजनेस घर कल को इसकी बेटी का ही होगा, इसमें सरासर तुम्हारा ही फ़ायदा है. ओफो, मुझे इनकी किसी चीज़ से क्या लेना देना, लेकिन वो जिस तरह तेज़ी से बोला उस तरह यखलक चुप हो गया. क्या लेकिन, कबीर हाशमी बेकरारी से मुस्तफसर हुए. इसने ग्लास उठाकर एक घूंट लिया, वापस रखा, कलाई मोड़कर देखा वक्त क्या हो रहा है और एक गहरा सांस लेते हुए फिर गोया हुआ. लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि उमर साहब ने बेटी से भी राय ली है या खुद ही से फैसला किए बैठे हैं. अभी मामी ने बताया कि वो 1.5 साल से मुझे जांच रहे थे, तो तकरीबन इतने ही टाइम से मैं भी देख रहा हूँ जैनी और हैरी की दोस्ती को. कहीं ऐसा ना हो कि, अरे मेरे बच्चे, ये इंग्लैंड है, दुनिया का वो अजीम तरक्की याफ्ता खत्ता जहाँ मर्द और औरत की कोई तख्सीस नहीं. जैनी और हैरी की दोस्ती कोई आज की थोड़ी है, ये तो इनकी उम्र के साथ परवान चढ़ी है. और फिर तुम जानते हो वो दोनों कज़न हैं, जैनी उमर हबीब की बेटी और हैनी मनोहर सुधू का. इनकी दोस्ती तो हो सकती है मगर शादी हरगिज़ नहीं. इनके दरमियान मज़हब की बहुत बड़ी दीवार है
اور عمر حبیب کے لیے تو ذاتی تجربہ ہی کافی ہے، وہ بیٹی کو کسی اندھے کنویں میں کبھی نہیں گرنے دے گا، اور مجھے جینی کے مزاج کا اندازہ ہے، وہ بے شک یہاں کے ماحول میں پلی بڑی ہے لیکن باپ سے محبت اور احترام اس کے خون میں رچا بسا ہے، وہ کبھی اس کے کسی فیصلے سے انحراف نہیں کرے گی، اس طرح سے بالکل تم بے فکر ہو جاؤ۔ اور ہاں، اگر تم یہ کہو کہ تم نے اب تک آپس سے کوئی بات نہیں کی تو یہ بھی تمہارا مسئلہ نہیں ہے، میں جانوں میرا کام جانے، میں بہتر سمجھ سکتا ہوں تمہارے لیے کیا اچھا ہے، میں خود عمر حبیب سے بات کر لوں گا۔ اور فوزیہ، تم آج ناشتہ بنا رہی ہو کہ پائے گلا رہی ہو؟ اللہ کی بندی، اب ناشتہ لے بھی آؤ، لیٹ ہو رہے ہیں ہم دونوں۔ انہوں نے اسے ہر طرح کی فکر سے آزاد کر کے فیصلہ ہی سنا دیا تھا، وہ مہر بلب اب اس کے سامنے رکھے گلاس کو گھور رہا تھا۔ آج اس کا موڈ صبح سے ہی کچھ بدلا ہوا سا تھا، یہ تو اسے اندازہ ہو چکا تھا۔ کلاس میں ہمیشہ حاضر دماغ اور حاضر جواب رہنے والی نے سر اسمتھ کے لیکچر کے دوران آج جس بے توجیہی کا مظاہرہ کیا تھا، اس نے تو اسے نہ صرف حیران بلکہ کافی حد تک پریشان ہی کر دیا تھا۔ اگلی کلاس کے لیے انہیں بیسمنٹ کی طرف جانا تھا، لیکن وہ ناک کی سیدھ میں چلتی لان میں نکل آئی تھی۔ وہ اسے وہیں سنگ مرمر کی بینچ پر بٹھا چھوڑ کر کیفیٹیریا کے جانے بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں کافی کے دو مگ اور سینڈوچز کے ساتھ اس کی واپسی ہوئی تھی۔ لگتا ہے آج توانوں اپنا ڈریس آپ پریس کرنا پڑا ہے، پھر بعدوں پاپو جی نے ناشتہ بنا کر دینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ عہدے بعد جدوں تسی بیگ لے کے نکلے تو تھوڑی نوٹ بک کہیں مس ہو گئی تھے، ہورے ہور تواڈا ڈرائیور بھی اچھ پورے 2 منٹ 25 سیکنڈ لیٹ پہنچا سی۔ حسب معمول راوچ ٹریفک بہت سی، 4 منٹ ہور ضائع ہو گئے، اور اس ویلے جدوں کسی کلاس وچ آئے تو شٹ یور ماؤتھ پلیز، اب تم بولے نا تو آئی ول کل یو، آنکھیں نکالتے دانت پیستے وہ کچھ اس طرح سے بولی کہ یخلق یوں چپ ہوا کہ جیسے کوئی چابی والا کھلونا۔ برسوں پرانے ساتھ میں اتنا تو وہ اسے جانتا ہی تھا کہ اسے اس وقت چھیڑنا کتنا مہنگا پڑ سکتا تھا۔ سو چپ چاپ کافی کا مگ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا، دوستی اپنی جگہ مگر وہ کافی ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ ایک ہاتھ میں سینڈوچ اور دوسرے میں کافی لیے وہ مزے سے چسکیاں بھر رہا تھا۔ اس نے شرر بار نظروں سے یہ منظر دیکھا اور پھر سے رخ پھیر لیا۔ ڈیڈ، کبھی کبھی وہ کیا جملہ بولتے ہیں، سوچ رہی تھی، جس تن لاگے سو تن جاگے اور نہ جانے کوئی۔ اس وقت وہ بھی اسی دکھ سے گزر رہی تھی، اس کے اندر بھانبڑ جل رہے تھے، غصہ، بے بسی، رنج، کیا کیا نہیں تھا۔ یعنی ہر ہر کام سے پہلے اس سے پوچھنے والے ڈیڈ نے اس کی زندگی کے سب سے اہم معاملے میں ہی اس سے نہیں پوچھا تھا، اور رات کھڑے کھڑے بس فیصلہ سنا کر چلتے بنے۔ وہ تو اسی وقت اس سے سوال جواب کرتی اگر جو ڈاکٹر رچرڈ کی ہدایت ذہن نشین نہ ہوتی۔ ڈیڈی سائڈ ٹیبل پر دھرا وہ میڈیسنس کا امبار اس کے سینے پر سل کی طرح آ پڑا تھا، ہونٹوں پر تالا لگ گیا، وہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔ ایک طوفان تھا جو اندر سر پٹک رہا تھا، کون تھا جو درد بانٹتا، ایک یہ اس کا دوست جسے اس وقت کھانے پینے سے فرصت ہی نہ تھی، بے طرح تل ملاتے اس کے ہاتھ سے مکھ چھین کر پرے اچھال دیا۔ ہائے ہائے، ایک ایک گر دیتا، ایڈے مزے دی کافی رول دیتی، دسو بھلا میری کافی کا کیا قصور تھا؟ ہری پنجابی سے اردو پر اتر آیا، وہ تیکھے چتونوں سے گھور رہی تھی۔ مرو نہیں، یہ لو، یہ پی لو۔ اس نے جس انداز سے دوسرا مگ پکڑا تھا، اگر وہ اس کا ارادہ بھانپ کر جگہ نہ چھوڑتا تو اب تک اس کی وائٹ شرٹ ضرور براؤن ہو چکی تھی۔ اس نے مگ بھی فضا میں اچھال دیا۔ او ہو، ہویا کی یہ کڑیے، اج سویرے ناشتے وج کی کھادا سی، کچھ بتاؤ بھی تو ہوا کیا ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا، اور وہ اسی انداز میں ہی تو تھی کہ کوئی اس سے پوچھے، کوئی اس کا دکھ سننے والا ہو۔ جی چاہ رہا تھا، پھوٹ پھوٹ کے رو دیں، نیلی جھیلوں سے چشمے نکل پڑے تھے، وہ بوکھلاتا پاس آ بیٹھا۔ جینی، جینی وائی آر یو کرائنگ مائی ڈیئر، واٹ ہیپنڈ؟ جینی کسی معمولی بات پر رونے والی نہیں تھی، وہ تو بہت مضبوط اعصاب رکھنے والی لڑکی تھی، کم سنی میں ہی زندگی کے اتنے روپ دیکھ چکی تھی کہ ضبط، حوصلہ، برداشت جیسے ساتھی بن گئے تھے اس کے۔ ہر سخت موسم کو لب دبا کے جھیلا تھا اس نے، نہ آہ نہ آنسو، وہ تو پلک کا کونا تک بھیگنے نہیں دیتی تھی، لیکن کیا آج ایسا کچھ ہو گیا تھا؟ ہری کا تشویش زدہ ہونا بنتا تھا، اور وہ ہوا بھی، شانے پر بازو پھیلا کر ساتھ لگا لیا، سر سہلانا چاہا تو ہاتھ جھٹک دیا گیا۔ ہری ہری، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی ڈیڈی میرے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں۔ زندگی کے 23 سال اس ملک میں گزارنے کے باوجود وہ آج بھی اندر سے اپنی مٹی سے جڑے ہوئے ہیں، وہ ویسے ہی کنزرویٹو ہیں جیسے میں سنتی آئی ہوں، وہ مجھے کوئی مظلوم سی ویسٹرن لڑکی سمجھتے ہیں جس سے وہ اپنا کوئی بھی فیصلہ آرام سے منوا لیں گے اور میں چپ رہوں گی۔ نو، نیور، مجھے شور مچانا ہے، بہت سارا چلانا ہے مجھے، آ
और छम छम रोते नैनों में कानों पर हाथ रखते हुए बिला तवक्कुफ ज़ोर से चिल्लाई थी। आसपास से गुजरते कई स्टूडेंट्स ने रुककर एक नज़र देखा ज़रूर, मगर किसी ने भी माजरा जानने की ज़हमत गवारा न की। ऐसे बहुत से तमाशे वो रोज़ाना देखने के आदि थे। फिर हरी था ना इसके करीब जिसके अपने छक्के छूट गए थे। जैनी जैनी प्लीज़ कूल डाउन, हुआ क्या है, मुझे कुछ बताओ तो सही, वो झंझलाया वसा पूछ रहा था। और इतनी ताकत लगाकर चिल्लाने के बाद जैनी को भी थोड़ा करार तो आ ही गया था। सूसू करते आस्तीन से आंखें रगड़ते जो इसने कहा उसे सुनकर तो अब हैरी का भी जी चाह रहा था बिल्कुल इसकी तरह चिल्लाने लगे। क्या कहा तुमने, अंकल ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है, वो भी तुम्हारी मर्जी के बगैर, आखिर ऐसी भी क्या इमरजेंसी पड़ी है उन्हें, और फिर मैं जो हूँ मेरा क्या बनेगा। और जैनी ने उसे यूं देखा गोया इसका दिमाग चल गया हो, वो अपना रोना रो रही थी और वो था कि अपना सियापा डाल के बैठ गया था। आर यू मैड, क्या कहना चाह रहे हो तुम, वो गुर्राई थी। और शुक्र है कि हैरी को बर वक्त एहसास हो गया, सो इसी की बात की तरफ दोबारा से आते हुए बोला, लेकिन अंकल तुम्हारा ब्याह कर किससे रहे हैं। और पहली बार इंतहाई नामाकूल बात के बाद ये सवाल फिर भी माकूल लगा था। जैनी ने बुरासा मुंह बनाते हुए जो नाम लिया, इससे पहले तो हैरी का मुंह ही खुल गया, फिर शायद माहौल की संगीनी को कम करने के लिए वो हंस पड़ा और हंसता ही चला गया। जैनी कड़े तेवरों से उसे घूर रही थी। वाह वाह अंकल ने की शहजादा लुबिया थाडे लिए की आला पसंद है उनांदी, उन्होंने इस पूरे इंग्लैंड में झोर कोई नहीं मिल लिया, कोई भी इस लैक नज़र नहीं आया जो थाडे काबिल होंदा। हाँ भाई ओनाना हम वतन जो हुआ ना भावे इन अथे ए लोग इसनु रोबोट ही क्यों ना आख दे होवे, हा हा हा। वो आज फिर बेगंगम तरीके से हंस रहा था। जैनी ने उकताकर एक ज़ोरदार हाथ घुटने पर जड़ दिया। डफर स्टूपिड इल मैनर्ड मुखलिसात का एक तूफान था जो फूट पड़ा हरी को मुँह बंद करते ही बनी, वरना कुछ वईद नहीं था जैनी हाथों का इस्तेमाल शुरू कर देती। तुम्हें हंसी के दौरे पड़ रहे हैं और मेरा सुसाइड करने का दिल चाह रहा है, बजाय मेरा दुख बांटने के तुम दांत निकाल रहे हो। याद रखो मैं तुम्हारे यही दांत तोड़कर हथेली पर रख दूंगी, कोई नहीं है मेरा इस पूरी दुनिया में, बिल्कुल अकेली हूँ मैं, डैड ने साबित कर दिया, उन्हें भी कोई परवाह नहीं है मेरी, माँ छोड़कर चली गई, अब डैड चाहते हैं मैं इन्हें छोड़कर इस रोबोट के साथ इनके इस थर्ड वर्ल्ड कंट्री चली जाऊँ। तुम ये बताओ क्या यह मेरे साथ इंसाफ है। और हरी का सर आपको आप नफी में हिल गया। डैड कहते हैं वो एक सेल्फ मेड इंसान है, इसने बहुत सख्त हालात देखे हैं, वो अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा है, वो एक दिन बहुत तरक्की करेगा। तो करे भाई, मैंने रोका है उसे, वो मेरे लिए मुसीबत क्यों बन रहा है, मैंने तो अभी अपनी स्टडीज़ मुकम्मल करनी है, अपना करियर बनाना है, शादी तो मेरी तरजीहात में कहीं शामिल ही नहीं है। नहीं करनी मुझे शादी, कभी भी नहीं, डैड ने खुद बड़े सुख देख लिए हैं ना जैसे शादी करके, जो अब मुझे भी इस जहन्नुम में झोंकना चाहते हैं। ओ गॉड, क्या करूं मैं, वो अपना सर पकड़ के बैठ गई। हरी ने दलासा देते हुए शाने पर हाथ रखा। बहुत आसान और सादा हल है जैनी, अंकल नो इनकार कर दो। और जैनी ने शाम की गुलाबी अंगुली नीलबू झील सी आंखों से उसे देखा। तुम क्या समझ रहे हो, मैंने ऐसा नहीं किया होगा, मैं बहुत गुस्से के साथ गई थी इनके रूम में, इरादा यही था कि बिल्कुल साफ इनकार कर दूंगी, लेकिन वहाँ इन्हें मेडिसिन का ढेर खाते देखकर दबे कदमों वापस लौट आई। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उनसे कुछ कहने की। मैं क्या करूं हरी, मुझे कोई हल बताओ इस मसले का। वैसे मुझे अंकल वर्गे समझदार शख्स तो ऐसे किसी भी बेवकूफाना फैसले दी तवक्का नहीं सी। तुम बिल्कुल ठीक वर्ड हो, तुम्हारा अंदाज़ा भी है ये शादी तुम्हें कितने मसाइल से दो चार कर सकती है। वो ज़ोमीर हाशमी जिसकी सिर्फ बूथी ही तो मुँह मत्थे लगती है बस, और भला ऐसा क्या चंगा है इसमें जो तुम्हारे हाथ उसे सौंपने पर तैयार हो गए हैं। अरे कल कला को वो बोरिया बिस्तर बांधकर तुमको पाकिस्तान घसीट कर ले गया तो की होएगा तुम्हारा। वाय गुरु दी कसम, यह कौम ऐसी ही जुनूनी है, कोई पता नहीं चलता इनका किस वक्त क्या कर गुजरे। अब तुम अपने डैड को ही देख लो, चंगे भले पाई थे कल तक और आज इनके दिमाग उलटने की खबर सुन रहा हूँ। अब इन गुनाहगार कन्नों से 23 वर्ष बीत गए, इनको अपने देश से इधर आए वो कभी पलट कर नहीं गए, वो भला क्या जाने वहाँ क्या हालात बन चुके हैं। और जिस मुल्क में कई कई घंटे लोड शेडिंग होती हो, जहाँ जनता की जान माल ही महफूज ना हो, वो वहाँ अपनी कल्ली कलोती धी को कैसे बेच सकते हैं, वो भी एक सरासर अनजान शख्स के हवाले करके। सच पूछो जैनी तो मैंने बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा, हरी का बोलना बता रहा था कि वो गुस्से में आ चुका है और यकीन तो उसे खुद भी नहीं आ रहा था, ये सब बातें तो वो भी जानती थी। मैंने तुमसे कोई हल पूछा है और तुम हो कि नमक छिड़कने लग गए, दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, मैं खुद ही देख लूँगी अब क्या करना है मुझे। और इसके दफ़ा होने का इंतज़ार किए बिना ही वो बैग शाने पर डालती उठ खड़ी हुई। हरी ने उसे बाजू से थाम कर रोका।
ओहो जैनी, हौसला करो, ऐसे मत घबराओ, हर मसले का कोई ना कोई हल होता है, ये मुसीबत भी टल जाएगी, बैठ जाओ, मिलकर सोचते हैं कुछ। बिलाशुबा हरी ने ज़िंदगी के बहुत से कठिन मकामात पर इसका साथ दिया था, अब भी वो इसी उम्मीद के सहारे फिर आ बैठी और गर्म कॉफ़ी के साथ ताज़ा सैंडविच खाते हुए आखिरकार इन्हें इस समस्या से निपटने का सिरा मिल ही गया। उसने दरवाज़ा नहायत आराम से बंद किया मगर फौरन पलटने की हिम्मत ना कर सका। उसे लग रहा था वो अपनी जगह से हिल ही ना सकेगा, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसके दोनों शानों पर अब भी उमर हबीब के हाथ धरे हैं, भारी और मुशफ़िक, और इन हाथों का मोहब्बत भरा लम्स बोल रहा है। वो किस कदर खुश थे और कितने बेफिक्र। गुज़िश्ता अरसे में इसने कभी इनके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट नहीं देखी थी जिसने आज इनका पूरा वजूद जगमगा डाला था। इसने तो चाहा था कि पूरी दयानतदारी से इस नए ताले को न सिर्फ बनाएगा बल्कि निभाएगा भी, मगर वो तो भला हो इनकी साहबजादी का जिसने इनके इरादों पर पानी ही फेर डाला था। इस रोज़ वीकेंड था और वो अपने कैबिन में पूरे हफ्ते का हिसाब किताब करने में बुरी तरह मसरूफ था जब इसका कैबिन का दरवाज़ा बजा। यस, यूं ही सर झुकाए इसने कहा और चौंका तब जब एक दिल फरेब महक कैबिन में फैल गई। इसने बेख्तियार झुका सर उठाया और इसके शुबे को तस्दीक बनफ़से नफीस खड़ी थी। जन्नत उमर उर्फ जैनी, कैबिन में फैलने वाली खुशबू इसके मखसूस परफ्यूम की ही थी। सुनहरे गुंगरियाली बालों के हाले में इसकी तीखे नक्कूश से सजा गुलाबी खूबसूरत चेहरा हमेशा की तरह इस पर भी बेतासुर था। हाँ, अलबत्ता नीली कांच सी आंखें कुछ बोल रही थी मगर क्या वो ये समझने से यकसर कासिर था। ब्लैक लॉन्ग स्कर्ट के साथ पिंक वाइट चेक की शर्ट जेबतन किए, गले में लापरवाही से एक रुमाल डाले, किसी भी ज्वेलरी या मेकअप से बेनियाज वो इसके सामने आ बैठी थी और इसके पीछे ही हरी भी चला आया। बड़े ठुस्से से बिना किसी हेलो हाई के वो आकर इसके साथ रखी कुर्सी पर विराजमान हो गया और वो तो उससे पहले ही कुछ खास पसंद नहीं करता था। इस हरकत के बाद तो गोया नापसंदीदगी पर ठप्पा ही लग गया था। तुम बिजी तो नहीं थे मिस्टर रोबोट? ओह सॉरी, मेरा मतलब है मिस्टर ज़ोमीर हाशमी। अपनी चुन्नी चुन्नी आंखों को घुमाते हुए जिस खबासत से वो बोला था इसका बेख्तियार जी चाहा घुमाकर एक पंच इसकी बूथी पे दे मारे, मगर ज़बरदस्ती की मुस्कान होठों पर लाकर नफ़ी में सर हिला दिया। ओह गुड, देखा जानी, मैं तो पहले ही कह रहा था ज़ोमीर नू भला की काम होना है इस वक्त, बल्कि किसी वक्त भी सारा काम तो वर्कर्स कर देने, सिर्फ सुपरवाइजिंग ही करता है ये। खैर हुन ओ गल करो जो असी करन आए हैं। इस नमूने के पहले जुमले ने क्या कम तपाया था कि इस बात ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। ज़ोमीर का दिल जलकर खाक हुआ, हथेली पर एक बार फिर खुजली हुई थी लेकिन कमाल जब्त था इसमें कि चेहरे पर फिर भरहमी की एक लहर न आने पाई। इसने सामने खुला लैपटॉप बंद कर दिया, यानी ये इस बात का इशारा था कि वो इनके सुनने के लिए फारिग है, और समझदार तो खैर से वो दोनों ही थे, इसीलिए तो हल्का सा गला खंखारते हुए जैनी इसकी तरफ मुतवज्जा हुई और जो कुछ उसने कहा वो दम साधे सुनता रहा। इसने सफाई से बताया था कि वो इस शादी में कतन दिलचस्पी नहीं रखती है, तो क्या आपका इंटरेस्ट कहीं और है? उसने तो यूं ही मालूमात में इजाफे के लिए पूछ लिया था। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, जवाबन वो कुछ यूं चबा के बोली कि वो भी भुना कर कह गया, मैं ये समझ नहीं पा रहा कि आप ये सब मुझे क्यों बताने आई हैं, आपको ये सब उमर साहब से कहना चाहिए। और मैं ये भी क्लियर कर दूं कि मैंने इनके सामने ऐसी कोई तजवीज़ नहीं रखी थी, ये इनकी अपनी ख्वाहिश थी जो मैं सिर्फ इनके एहतराम में कबूल कर रहा हूं, और ये वो जूता था जो इसने भिगो कर मारा था। जैनी मारे तैश के एकदम उठ खड़ी हुई। ओह जैनी प्लीज़ सिट डाउन स्वीटी एंड बी कूल, ये ठीक ही तो कह रहा है, ये तुम्हारे डैड का ही छोड़ा हुआ शोशा है, उन्होंने तो कुछ ज़्यादा ही सर पे सवार कर देता है अपनी बीमारी नू, अब ऐसा भी ख़तरनाक मर्ज़ नहीं लग गया इनको कि वो इस तरह बेवकूफ़ाना फैसले करते फिरें, मगर जे कर ही चुके हैं तो उसे अब भुगतना नहीं है बल्कि इससे निपटना है, और इसी सूरत में ये सब मुमकिन है कि इनकी नज़र में ये शादी तो हो लेकिन असल में हो सिर्फ पेपर मैरिज। हरी के गुस्से ने आखिरकार बिल्ली थैले से बाहर निकाल ही दी थी, वह हक्का बक्का इन दोनों की सूरत देख रहा था। ये मारूफ शाहरा पर वाकई एक 5-स्टार होटल का कमरा था, दरवाजे से लेकर दर दीवार और फर्श से लेकर छत तक ताज़ा महकते फूलों से कुछ यूं सजावट की गई थी कि कमरा गुलो गुलजार हो गया था। पूरे बेड पर भी फूल ही फूल बिखरे हुए थे, बीनी बीनी खुशबू ने फिजा मुअत्तर कर रखी थी। इस पर आरायशी लाइटें इतनी तरतीब और नफासत से लगाई गई थीं कि रात के इस पहर दिन का गुमान हो रहा था। यूं लग रहा था जैसे ये कमरा नहीं जन्नत का एक टुकड़ा है जो आज की रात ज़मीन पर उतर आया है। एक लम्हे को तो वो खुद भी मबहूत रह गई थी, ये सब इसके डैड की मोहब्बत का मुँह बोलता सबूत था, और वो आज किस कदर मुतमईन थे इनकी आँखों ने ये भी देखा था।
ایک لہجے کو اسے خود پر شرم آئی تھی، اس نے یقینی طور پر انہیں دھوکہ دیا تھا، مگر یہ احساس ایک پل کا تھا۔ گردن چھٹک کر سر میں چپتی پنے نکالنے کو ہاتھ بڑھایا، اسے لگ رہا تھا منو بوجھ اٹھا کر رکھا ہے۔ زندگی میں آج پہلی بار اتنا بھاری بھرکم لباس پہنا تھا، اب دم گھٹ رہا تھا، اسے فوری نجات چاہیے تھی، مگر وہ کمرے میں اکیلی نہیں تھی۔ اس کے خیال کے آتے ہی جھنجھلا کر ہاتھ میں تھاما سنہری سرخ موتیوں سے جگمگاتا کلچ سائڈ ٹیبل پر اچھال دیا، جو بیٹھ کے کونے سے ٹکرا کر نیچے جا گرا۔ قبل اس کے کہ زومیر ہاشمی پلٹ کر دیکھتا، دروازہ کھلا اور ہری کا سر اندر آیا، اور پھر وہ پورے کا پورا۔ زومیر کو غصہ تو بہت آیا، ایک تو کمبخت کی شکل نامعقول تھی، اس پر سے حرکتیں بھی ناقابل برداشت کرتا تھا۔ واو، روم تو بڑا کلاسک ڈیکور کروایا ہے انکل نے، انہاں تے دل دے سارے ارمان ہی کٹ چھڑے، ویسے انہاں دی چوائس تو ہمیشہ ہی بہترین رہی ہے، مگر وہ جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ زومیر کی مٹھیاں بھیج گئیں، یہ موقع نہیں تھا، ورنہ وہ ضرور اس کا جبڑا ہاتھ پر رکھ دیتا۔ وہ صوفے پہ جا بیٹھا، وہ دونوں اسی طرح اپنی اپنی جگہ کھڑے تھے۔ او ہو بھائی، مہمان ہوں میں، یہاں ایک کپ چائے تو پلوا دو کم سے کم۔ اس کی ڈٹائی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، جینی نے اسے گھورا اور بولی، ہری میرے سر میں پہلے ہی بہت درد ہے، تم مزید درد مت کرو، سیدھے سیدھے کام کی بات بتاؤ۔ کام کی بات؟ او ہاں، یہ لوور روم نمبر 243 کی چابی، یہ تو گرو کی کرپا ہے جو اسی ہوٹل میں روم مل گیا۔ صرف تمہاری خاطر آج کا سارا دن جان لڑا کر مشن امپاسبل کو پاسبل کرایا، احسان سمجھو میرا احسان، وہ سامنے ٹیبل پر ٹانگے پسارتے ہوئے بولا۔ ایک گہری سانس لیتے جینی نے اسے دیکھا، پھر زومیر کو، اور اس نے اسی پل اس کی طرف دیکھا، دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں، پھر وہ لاپرواہی سے نظر کسی اور رخ کو پھیر گئے، مگر وہ وہیں کا وہیں ساکت رہ گئے۔ مشرقی دلہیں تو بے شمار دیکھی تھی، مگر مشرق اور مغرب کا حسین امتزاج لیے یہ پہلی دلہن تھی جسے وہ دیکھ رہا تھا۔ مونگیا اور سرخ رنگ کے امتزاج کی برائڈل ڈریس میں جینی کا دراز خط کچھ اور نمایاں لگ رہا تھا۔ اس لباس کی دلکشی کا حصہ تو تھا ہی، مگر اس کے اجلے روپ کو جس مہارت سے بیوٹیشن کے مشاق ہاتھوں نے سنوارا تھا، وہ اس جیسے بیزار شخص کو بھی ایک پل کو ساکت کر گیا تھا۔ وہ تو دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا، یہ وہ جینی تو نہیں تھی، یہ تو کسی دور دیش سے آئی پری تھی جو اس کے حواس چھین رہی تھی۔ آج بہت سے لوگوں کے درمیان اس نے ایک پیپر پر سائن کیا تھا جس کی روح سے وہ سرتا پاؤں اس کی ملکیت میں آ چکی تھی، وہ اس کی تھی، صرف اس کی، مگر یہ خوش گمانی چند لمحوں کے لیے تھی، کیونکہ اگلا خیال جسم سے روح کھینچنے والا تھا، کیونکہ دو دن پہلے بھی وہ ایک سائن کر چکا تھا، اور وہ دستخط بہت سے لوگوں کے درمیان نہیں صرف اس کے سامنے ہی کیے تھے، اور جس کی روح سے وہ اس پر اپنے سب حقوق کھو چکا تھا۔ زومیر کو یوں لگ رہا تھا گویا کھڑے کھڑے ہوا میں مولق ہو گیا ہو، اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے، وہ خلا میں تیر رہا تھا۔ اوہ، یہ تم دونوں کیا الگ الگ منہ کیے کھڑے ہو، چلو چھیتی نال ادھر میرے سامنے آ جاؤ، دو چار چنگیاں چنگیاں فوٹواں بنا کر انکل نو سیٹ کر دینا ہے، سمجھا کرو نا، خوش ہو جائیں گے۔ او ہاں بھائی، بے شک معاملہ کوئی اور ہے، مگر انکل کو تو سب اچھا ہے کہ ایکسپریشنز ہی دینے آئے نا، چیئر اپنا اسمائل پلیز۔ ہری کے سیل فون کا رخ ان کی طرف تھا، اور دونوں کو ہی نہ چاہتے ہوئے ہی مسکرانا پڑا۔ ایک کی مسکراہٹ میں جھنجھلاہٹ تھی اور دوسرے کی، یہ تو اس وقت وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ جس انداز سے اس کے ہونٹ پھیلے ہوئے تھے، کیا واقعی اسے مسکرانا کہا جاتا ہے۔ لکڑی کی سال کھول الماری کے ہلتے ہوئے پٹ کو احتیاط سے کھولے، وہ سارے کھانے چھان چکا تھا، مگر مطلوبہ شرٹ کہیں ہوتی تو ملتی، کپڑے تھے ہی کتنے، گنتی کے 20-30، سب کو جھٹک جھٹک کر دیکھ لیا۔ اس چکر میں الماری میں کپڑوں کے علاوہ رکھی اور بہت سی چیزیں باہر آ گری تھیں، اس نے تو سارا کمرہ ہی تلپٹ کر دیا تھا۔ سریا خاتون ناشتے کے لیے کمرے میں ٹرے لے کر آئیں تو وہاں کی حالت نے انہیں حیران کر دیا۔ ارے میرا چاند، کیا ڈھونڈ رہے ہو بیٹا، تمہاری سب چیزیں، سارے کاغذات میں نے اکٹھے کر کر اس میز پر رکھ دیے ہیں، جو بھی دیکھنا ہے وہاں دیکھ لو۔ وہ سب چیزیں تو وہیں ہوں گی ماں جی، میں اپنے نیلے رنگ کی شرٹ ڈھونڈ رہا ہوں، وہ جو پرسوں دھلوائی تھی آپ نے، میں نے خود تہہ لگا کر ان کپڑوں میں رکھی تھی، اب مل ہی نہیں رہی۔ اف، مجھے دیر بھی ہو رہی ہے، انٹرویو کے لیے نکلنا ہے، 10 بجے کا ٹائم ہے اور 9 یہیں بج گئے ہیں۔ کیا کہا؟ وہ شرٹ؟ سریا خاتون چپ ہوئی۔ وہ شرٹ؟ ارے وہ تو کل تارے کو پہنے دیکھی تھی میں نے، بڑا تیار شیار ہو کر گیا تھا، ماشاء اللہ بڑی ہی اٹھ رہی تھی اس پر وہ شرٹ، کہہ رہا تھا دوستوں نے مل کر، وہ پارٹی شارٹی دے رکھی ہے، وہاں جا رہا ہوں، اور کچھ اور بھی کہہ رہی تھی کہ وہ ناشتے کے ٹرے پیچھے کرتا ایک جھٹکے سے اٹھا، کپڑوں کے ڈھیر میں ہاتھ مار کر ایک شرٹ گھسیٹی اور باہر نکل گیا۔ اوہو چاند بیٹا، ناشتہ تو کر لو، شرٹ میں استری کر دیتی ہوں، وہ اس کے پیچھے آئی تھی، رہنے دیں میں خود کر لوں گا، ہت ہو گئی، میری شرٹ آپ کے سامنے پہن کر چلا گیا اور آپ نے اسے روکا تک نہیں، آپ کا وہ شہزادہ کبھی اپنی کسی چیز کو ہاتھ لگانے دیتا نہیں ہے مجھے، یہ اچھی بات نہیں ہے اماں جی، آپ ہمیشہ ناانصافی کرتی ہیں میرے ساتھ۔ اسے غصہ آیا تھا، تارے اگر اس وقت سامنے ہوتا تو وہ ضرور اس کی گردن دبوچ لیتا۔
पुरानी आदत थी इसकी, अपनी किसी चीज़ को छूने नहीं देता था और इसकी हर चीज़ बिना इजाज़त इस्तेमाल कर लेता था। अगर बास पुरस की जाती तो बदतमीजी पर उतर आता। शुरू से दोनों भाइयों में यही लड़ाई चलती थी। सुरैया खातून भी इस नालायक को समझा कर और उसे सफाइयाँ दे देकर थक चुकी थी, और रही कल की बात तो अब वो उम्र के इस हिस्से में थी जहाँ एक मिनट पहले की बात भूल जाती है। इन्हें भी बिल्कुल याद न रहा था कि इनका तारा जिस शर्ट में इतना सच सवर कर जा रहा है वो शर्ट इसकी नहीं बल्कि इसके चांद की है, जिसने धुली हुई शर्ट को दोबारा इसलिए धुलवाया था कि वो इंटरव्यू के लिए पहन के जाना था, और अब एक दूसरी शर्ट जो कि कसरत धुलाई के बाद अपना असल रंग खो चुकी थी को उल्टे सीधे हाथ मारकर यूं इस्त्री कर रहा था जैसे इसकी रंगत वापस लाकर ही छोड़ेगा। वो सर झटक कर किचन की जाने भोली, इनके हाथों तारे की आज फिर शामत आनी थी ये तो तय था। एक कमरा, एक बेड, दीवार गिर अलमारी, दीवान और एक टेबल कुर्सी, उमर हबीब के खूबसूरत कॉटेज में ये थी इसकी कुल जन्नत, और ये जन्नत इसके किसी नेमत से कम नहीं थी। जब से वो इस देश में आया था भूल ही गया था कि चैन की नींद किसे कहते हैं, मगर इस रात हर फिक्र भुलाकर बहुत अरसे बाद वो खूब सोया था एक तसलसल के साथ। किसी की बकबक नहीं थी ना किसी के बेहंगम खर्राटे, इसीलिए तो सुबह जब रूम से बाहर आया तो बहुत फ्रेश लग रहा था। ब्लू पैंट कोट के साथ मैचिंग टाई लगाए, अपने खड़े दिलकश चेहरे पर एक दिल फरेब सी मुस्कान लिए, दाएं हाथ की उंगलियों से माथे पर गिरे बाल संवारता, जब वो डाइनिंग टेबल तक आया तो उमर हबीब ने नज़र उठाकर उसे देखते हुए माशाल्लाह कहा था। वो सलाम करके इनके बराबर वाली कुर्सी पर टिक गया। जीते रहो जैनी बेटा, जोमीर के लिए भी नाश्ता लेकर आओ। इसका नाशाना ठपकते हुए उन्होंने बेटी को आवाज़ दी थी, जिसने पलटकर इस सजी सजाई मूरत को देखा था और बड़े नखूत से देखा था। इसके माथे पर खिंचाने वाली लकीर को जोमीर ने पूरे ध्यान से देखा। अभी कल ही तो इसने मोहतरम जोमीर हाशमी को अच्छे से ब्रीफ किया था कि उसे उमर कॉटेज में किस तरह रहना है। सबसे पहले तो वो इस गुमान से बाहर ही रहे कि जन्नत उमर इसकी बीवी है, और जब वो इसकी बीवी नहीं है तो वो इसके किसी काम की जिम्मेदारी भी नहीं लेगी। वो सुबह उठकर पहले अपना कमरा साफ़ करेगा क्योंकि घर में फैलावा उसे कतन पसंद नहीं। अपना नाश्ता भी वो खुद बनाएगा और साथ ही किचन की सफाई और शाम वापसी पर भी इसी तरह सारे काम, हत्ता के हफ्तावार अपने कपड़ों की धुलाई भी उसे खुद करना होगी, और ये सारे काम तो वो पिछले 3 सालों से कर ही रहा था। ये सब करना इसके लिए कतन मुश्किल नहीं था, अगर मुश्किल होगी तो सिर्फ उसने आगे कुछ सोचने ही कब दिया था। वो कह रही थी कि अगर बिलफर्ज कभी उमर हबीब इसके किसी काम के लिए जाने का आवाज़ दें तो वो इसके कुछ कहने से पहले खुद ही उन्हें समझा दे, और इस पर वो यकीनन इसके बोलने की मुंतज़िर होगी। और तो इसको इल्म नहीं था कि वो ऐसा भी ताबेदार नहीं है, और फिर इंसान अक्सर बातें भूल भी तो जाता है। अब वो इनसे गपशप लगाना छोड़कर अपना नाश्ता बनाने उठ जाता तो कितनी बुरी बात होती। वो मज़े से डैड से, हाँ जी डैड से महवे गुफ्तगू रहा। बेटी ने तो नाश्ता बनाकर भी नहीं बनाया था, मगर उन्होंने उसे बेटा बनाया ही नहीं था बल्कि दिल से मान भी लिया था, और वो इनकी मोहब्बतों के हाथों ही मजबूर था कि कम से कम इसकी वजह से इनका दिल ना दुखे। लेकिन किचन काउंटर के पास खड़ी एक और अंडा फेंटती जन्नत उमर का जो दिल दुखा था वो हर दुखता रहे इसकी वजह से, वो इसके दिल का जिम्मेदार नहीं था। वो नाश्ता बनाकर तो ले आई थी मगर जिस अंदाज से ट्रे रखी और जिस नज़र से उसे नवाजा वो बेख्तियार गर्दन खुजा कर रह गया, मगर एक भरपूर मुस्कुराहट के साथ शुक्रिया कहना हरगिज़ नहीं भूला था। वो पैर पटक कर मुड़ी थी। अरे मेरे बच्चे, अब साथ ही काउंटर की सफाई करने मत लग जाना, आ जाओ पहले नाश्ता कर लो। वो बेटी के मिजाज से खूब वाकिफ़ थे, उसे अगला कदम उठाने से रोका। सॉरी डैड, आई एम गेटिंग लेट, मुझे यूनिवर्सिटी पहुंचना है, हरी बस आता ही होगा। वो बौछलत कहती अपने कमरे में जा घुसी, और कुछ मिनट बाद वापसी हुई तो ऊंची पोनी में बंदे सुनहरे बाल अब खुलकर शानों पर लहरा रहे थे। दिलकश चेहरे की जिया हल्की सी लिपस्टिक ने ही बढ़ा दी थी। ब्लैक टाइट्स के साथ पिंक टॉप पहने एक हाथ में नोटबुक थामे दूसरे कंधे पर बैग डाल रही थी। आराम से नाश्ता करो इधर आकर, और अब हरी की ज़रूरत नहीं है। जोमीर जो है जहाँ इसने तुम्हारी बाकी जिम्मेदारियाँ उठाई हैं वहाँ पिक एंड ड्रॉप भी अब इसी के ज़िम्मे हैं। लो जोमीर बेटा, उन्होंने गाड़ी की चाबी इसकी तरफ बढ़ाई, आज से मेरी ये फिक्र भी दूर हुई। अब तुम जानो और तुम्हारी बीवी, हाँ बस ये ध्यान रखना कि मेरी बेटी मुझसे किसी भी तरह की शिकायत ना करे। वो मुस्कुरा रहे थे, जोमीर भी मुस्कुरा दी। आप इस बात की फिक्र मत करें, आपकी बेटी बिल्कुल भी शिकायत नहीं करेगी डैड, क्योंकि मैं उसे कभी मौका ही नहीं दूंगा। क्यों जन्नत, ठीक है ना? वो इससे ताईद चाह रहा था, और इतनी इजाज़त तो आज तक इसने हैरी को भी नहीं दी थी कि उसे इसके असली नाम से पुकारे। इस नाम से तो बस कभी कभी डैडी ही पुकारते थे, और अब इन मौसूफ ने जरूरत कर डाली थी। अगर इसका बस चलता तो हाथ में थामी सारी किताबें इसके सर पर दे मारती, मगर इस वक्त सिर्फ एक शोला बार नज़र पर ही गुजारा करते। इसने कहा, ओ डैड, इतना अरसा हो गया उसे मुझे पिक एंड ड्रॉप करते, अब एकदम से मना करूंगी तो वो क्या फील करेगा? और फिर जोमीर को रेस्टोरेंट पहुंचना है, मुझे यूनिवर्सिटी तक ड्रॉप करते फिर वापस आते बहुत वक्त ज़ाया हो जाएगा। कोई बात नहीं,
जो मेरी रेस्टोरेंट टाइम पर पहुंच जाएगा, एक दो मिनट ऊपर नीचे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और हरी कुछ फील नहीं करेगा। वो जानता है तुम्हारी शादी हो चुकी है, ज़ोमीर तुम्हारा हस्बैंड है और अब तुम इसके साथ ही जाना। उफ़ डैड, आप पहले तो ऐसी बातें नहीं करते थे। वो जिज होती सिर्फ यही कह सकी, पहले कभी ऐसी बातों की नौबत जो नहीं पड़ी मेरी जान। और क्या हो गया तुम्हें, इतने आर्ग्यूमेंट क्यों कर रही हो? वो हकीकतन हैरान हो गए थे। वो इनसे बहस कर रही थी, वो भी ज़ोमीर के सामने, और किस बात पर? और शायद उसे भी एहसास हो गया था, इसीलिए तो फिर चुपचाप चल पड़ी थी और वो इसके पीछे हो लिया। उमर हबीब दोनों को निसार होती नज़रों से देख रहे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए, बहुत प्यारे लग रहे हो तुम दोनों, चांद सूरज की जोड़ी है मेरे बच्चों की। अल्लाह नसीब अच्छे करे, सदा खुश रहो। मुझे रात ही कबीर ने सारी तस्वीरें सेंड की थी और हम सभी मारे खुशी के रात भर जागते रहे। सारी रात तुम लोगों की बातें करते ही गुजर गई। आज मैंने पूरे 50 किलो मिठाई मंगवानी है और सारे मोहल्ले और रिश्तेदारों में बांटनी है। अल्लाह ने ऐसी हीरा सी भव दी है मुझे, जो भी देखेगा बस देखता रह जाएगा। अरे रिश्तेदारों ने तो दांतों में उंगलियां दाब लेनी है, कसम से किसी की बहू ऐसी खूबसूरत जो नहीं। सच पूछो तो ज़ोमीर बेटा, आज मैं इतनी खुश हूँ कि तुम्हें बता नहीं सकती। निगहत अपनी ही रूम में बोले चले जा रही थी। बहुत अरसे बाद आज वो हकीकतन दिल से खुशी महसूस कर रही थी। बहुत सारी कठिनाइयों के बाद उन्हें लग रहा था कि अब ज़िंदगी कदर आसान होगी। शौहर की अचानक मौत के बाद हालात के एकदम पलटा खाने से वो तो अर्श से फर्श पर ही आ पड़ी थी। दोस्ती के लिबादे में छुपे दुश्मन ने ऐसी घात लगाई थी कि वो शशदर रह गई थी। इनका सारा माल असबाब सिर्फ एक कागज़ के टुकड़े हुए बलबूते पर इनसे छीन लिया गया और चोट इतनी गहरी थी कि पूर जख्मी हो गई थी। बेवगी, 4 बच्चों की यतीमी और इस पर सब कुछ उलट जाने का वार ऐसा कारी था कि उन्हें लगता था वो इस दुख से मर ही जाएंगे। मगर बेशक अल्लाह बड़ा मुसब्बिबुल असबाब है, इस कड़े वक्त ने भी उनका आसरा पैदा कर दिया था। इनके छोटे भाई कबीर हाशमी को अल्लाह ने इस वक्त फरिश्ता बनाकर भेजा, जिसने जोड़ तोड़ करके किसी न किसी तरह ज़ोमीर को अपने पास बुला लिया। यूँ कुछ जीने के असबाब नज़र आने लगे, ज़िंदगी की गाड़ी सुबक खरामी से खींचने लगी। छोटी छोटी नौकरियां करके ज़ोमीर इन सब की ज़रूरियात पूरी कर रहा था, मगर अभी बहुत सी ज़रूरतें ऐसी थी जो पछते पुष्ट पड़ी हुई थी और जिनका पूरा होना भी बेहद ज़रूरी था। वो दिन रात अल्लाह के आगे दुआ गो रहती थी और जिसने यकीनन इनकी दुआएं सुन ली थी, इनकी खुशी बेकिनार थी। अब तो तुम्हें वहाँ की नेशनलिटी आसानी से मिल जाएगी ना ज़ोमीर बेटा, और फिर अच्छी जॉब भी, और फिर तुम हमारे पास भी आ सकोगे ना। इनके लहजे में उम्मीदें भरी थी। एक गहरी सांस लेता वो गोया हुआ, जी अम्मी इंशाल्लाह, आप दुआओं में याद रखें बस। अरे मेरे बच्चे, दिल से हर सांस के साथ दुआ निकलती है तुम्हारे लिए, वो तो तुम फिक्र ही ना करो। अच्छा ये बताओ, बहू को सारे काम तो आते हैं ना? सुना है कि बाहर रहने वाले लोग सारे काम। ओहो अम्मी, भला ये भी कोई बात है पूछने वाली? अगर भाभी को काम करना नहीं भी आते हुए तो ये कोई बड़ा मसला नहीं, वहाँ बेशुमार मशीनें भी होती हैं काम करने के लिए। और मज़े की बात, वहाँ आप जैसी बहू में सिर्फ काम के हुनर ढूंढने वाली सासें भी नहीं होती। और अब कोई 2-4 बातें हमें भी अपने भाई से कर लेने दिया करें। माँ के पीछे से मलिहा ने सर निकाला था, वो इसकी बात पर बेख्तियार मुस्कुरा दिए। निगहत ने भी हंसते हुए इसके सर पे चपत लगाई। लो अब कर लो तुम भाई से बातें, शबीना और मुईस आ जाओ तुम भी। इनके कहते ही वो दोनों भी आगे खिसक आए थे। अल्लाह भाई, कितनी प्यारी है ना भाभी, और दुल्हन बनकर तो कितना रूप आया है इन पर, मेरा तो तस्वीरें देख देख कर दिल ही नहीं भर रहा था। अब कल ढेर सारी मिठाई लेकर जाऊंगी कॉलेज और अपनी सब सहेलियों पर खूब धाक जमाऊंगी। भला किसी की भाभी होगी इतनी खूबसूरत? मलिहा जगमगाते चेहरे के साथ अपना से प्लान बता रही थी। फिर शबीना और मुईज़ भी शुरू हो गए, उसे इनकी कोई बात पल्ले ही नहीं पड़ रही थी। वो मुस्कुराते लबों से इन्हें सुनकर और देख ज़्यादा रहा था। रेस्टोरेंट से निकलने में उसे देर हो गई थी, इस पर सितम ये कि मजीद चंद मिनट ट्रैफिक के अजदहाम ने निगल लिया। अल्लाह करके वो यूनिवर्सिटी पहुंचा, फिक्र ये थी कि कहीं वो नखरीली मोहतरमा इंतज़ार से उकताकर खुद ही ना चल पड़ी हो। मगर थोड़ी सी तलाश के बाद उसे जैनी और हरी एक साथ एक बेंच पर बैठे नज़र आ गए। दोनों के आगे एक किताब खुली थी जिस पर झुके कुछ डिस्कस कर रहे थे। जैनी के सुनहरे बाल हरी के चेहरे के आगे झूल रहे थे, जिन्हें इसने बड़ी एहतियात से पकड़कर इसके कान के पीछे अड़स दिया। जैनी ने मुस्कुराकर उसे देखा, हरी ने भी मुस्कुराहट पास की और फिर दोनों किताब पर झुक गए। लम्हे भर की बात थी, मगर जाने क्यों उसे लगा कि जैसे ये मंजर जमानों पर फैल गया हो। आग बगोला सा था जिसने सर से लेकर पैर तक चक्कर काटा, अंदर कोई अंगीठी सी जली थी। इसने अपना चेहरा गर्म होता महसूस किया, तनफन करता वो इनके ऐन सामने जा खड़ा हुआ और कबल इसके के कुछ बोलता हरी की गर्दन उठी थी। ए लो जी आ गए थोड़े शोफर साहब, उसे देखते ही इसने जिस लहजे में कहा था, सोफी ज़ोमीर को तो आग सी लग गई, मगर इसके मुँह ना लगते जैनी को देखा। अगर आपकी बहुत ज़रूरी पढ़ाई ख़त्म हो गई हो तो चलें। इसने सर उठाया, उसके तेवर नाकाबले फहम थे। गंदुबी रंग हद दर्जे सुर्ख हो चला था, तीखे नकूश कदरे बिगड़े हुए थे, आँखों में खुशूनत भरे वो इन दोनों को घूर रहा था। और ये हालत इसकी क्यों, बल्कि ये अंदाज़ तो इस वक्त इसका होना चाहिए था, फिर भी इसने बड़े तहमुल का मुजाहरा करते हुए कलाई पर बंदी घड़ी अपने सामने की। फिर इसके
से वॉच कहते हैं, और ये सिर्फ फैशन के लिए नहीं होती बल्कि इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। और क्यों किया जाता है क्या जानते हैं आप? और छड़ो जी, ये क्या जाने वाला वॉच द इस्तेमाल उन्हें नज़दीक ते वॉच द मतलब सिर्फ देखना ही होएगा। और इस वक्त हमें खूब रच के देख ही तो रहे हैं, एक नहायत फजूल सा लतीफ़ा घड़ते फिर इस पर खुद ही ठट्टा लगाते। हरी उसे पहले से बढ़कर जहर लगा था और इसकी बार तो वो किसी तौर अपनी खौलन पर काबू ना पा सका तो तिल मिलाकर कहा, मिस्टर मनोहर सिद्धू, कुछ देर के लिए आप अपना मुंह बंद रख सकते हैं, मैं जन्नत से बात कर रहा हूँ। जी मैम, तो चलें आप। हरी बेचारे का तो मुंह क्या बंद होता, वो तो खुले का खुला ही रह गया मारे खफत के। जैनी के लब भी नीम वाह होकर रह गए, वो अकड़फों से तो उसे चलने का कहकर इसकी कुछ सुनने से पहले ही वापसी के लिए कदम बढ़ा चुका था। इसने हरी की जानेब देखने की गलती नहीं की थी, लपक झपक किताबें समेट कर बैग शाने पर डालती इसके पीछे आई थी। हाउ डेयर यू, तुमने क्या सोचकर हरी के सामने मिसबिहेव किया? वो फ्रेंड है मेरा, जानते हो ना तुम समझते क्या हो खुद को? मैंने तुम्हारी मिन्नत नहीं की थी कि तुम रोज़ मेरे लिए अपने काम छोड़ कर आओ, ये ड्यूटी तुम्हारे बॉस ने तुम्हें सौंपी है, तुम चाहो तो इनसे एक्सक्यूज कर सकते हो, और अगर तुम में इतनी ज़रूरत नहीं तो मैं खुद डैड को मना कर दूंगी, और आज के बाद मुझे ये एटीट्यूड मत दिखाना, अंडरस्टैंड? वॉकअप में बोलती हुई आ रही थी इसने इत्मीनान से कार का दरवाज़ा खोल कर ड्राइविंग सीट संभाल ली, वो फिर से शुरू हो गई। और मैंने तुम्हें इस रोज़ भी मना किया था कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कोई एक्स वाई जेड मुझे जन्नत कहे, तुम्हें एक बार की कही बात समझ क्यों नहीं आती? अभी अंदर जिस अलाव पर हरी के चेहरे पर छाए तासुरात ने कमीनी सी ठंडक उतार दी थी, इस पर इस बेपरवाह के एक्स वाई जेड ने तो गोया तेल ही छिड़क दिया। एक्स लगती निगाह इस पर डालकर इसने गाड़ी स्टार्ट की, वो कुछ और भी कहती जा रही थी मगर अब सुन कौन रहा था, जो सुन चुका था वही बहुत था। आज की डाक से आने वाले लिफाफे ने तो गोया इसकी दुनिया ही बदल दी थी, वो इस कदर खुश था कि हद नहीं। इस दिन का कितनी शिद्दत से इंतज़ार था, उसे लग रहा था मुट्ठी में एक कागज़ का टुकड़ा नहीं बल्कि पूरा जहान समा गया है। एक ख्वाब की तकमील सारे ख्वाबों का उनवान बन गई थी। सबसे पहले इसने अम्मा जी को यह खुशखबरी सुनाई, वो तो सुनते ही सजदे में गिर गई, ढेरों ढेर दुआओं से नवाजा। जा मेरा चांद, अब जल्दी से मिठाई ले, अपने चाचा के घर जा, इस खुशी की खबर पर दूसरा हक मेरी आसपा का है। अभी पिछले ही महीने एक वजीफा बताकर आई थी, उसे पंच वक्ता नमाज पढ़ती है माशाल्लाह, ज़रूर बाकायदगी से वजीफा पढ़ा होगा इसने, ये सब इसी की दुआओं का समर है। कितनी सादा तबीयत और फराख दिल थी इसकी माँ, अपनी मेहनती भी दूसरी होने वाली बहू के खाते में डाल रही थी। वो बेख्तियार हंसते हुए इनसे लिपट गया। ओ अम्मा जी, आपकी बातें भी ना आपकी तरह खूबसूरत हैं, मेरी ये खुशी तो सिर्फ आपकी बदौलत है, आसपा की दुआओं को तो मैं तब मानूंगा जब वो इस घर में आएगी। बड़ा चलाक है, दूसरे लफ्ज़ों में तू अब मुझे अपनी शादी का कह रहा है, अम्मा जी ने एक चपत छाने पर धरी, वो जी भर के हंस दिया। तो क्या आप कह भी नहीं सकता? इसने जगमगाती नज़रों से माँ के चेहरे को देखा। बिल्कुल कह सकते हो, बल्कि अब तुम्हें कहने की ज़रूरत ही नहीं, अल्लाह के करम से अब हाथ खुला हो गया है तो दो माह में ही तैयारी करके बहू को घर ले आऊँगी। घर गृहस्थी कर करके अब तो मेरी हड्डियाँ भी थक गई हैं, अब तुम्हारी घरवाली घर आए तो मैं भी कुछ आराम करूँ। इंशाल्लाह ज़रूर, बस कुछ ही दिन की बात है, फिर आप मलका बनकर इस तख्त पर बैठा कीजिएगा और आपका हर हुक्म बजा लाने के लिए यहाँ एक कनीज़ होगी। वो इन्हें हसीन ख्वाब दिखा रहा था। बच्चे अब अपनी बात पर कायम रहना, अब ये ना हो कि कल कला को तुम इस कनीज़ के बेदाम ग़ुलाम बन जाओ, वो इससे अहद ले रही थी। अरे अम्मा जी, क्या आप ऐसा समझती हैं मुझे? मैं तो इस बाप का बेटा हूँ जिसने सारी ज़िंदगी अपनी बीवी की एक ना मानी, कभी ख्याल नहीं रखा उसका, हमेशा हर चीज़ के लिए तरसा तरसा कर रखा उसे, तमाम उम्र बीवी का जीना धोबर करके रखा। मैं भी इन्हीं के नक्शे कदम पर चलूँगा, आपकी बहू को ऐसा तीर की तरह सीधा रखूँगा कि वो कभी हाय हाय क्यों बाप की बदखोई कर रहा है बेअदब, अल्लाह दर्जात बुलंद करे, वो तो ऐसे सादा मनशा आदमी थे, कभी कोई सख्ती नहीं की थी मुझ पर, हमेशा हर बात मेरी खुशी का ख्याल रखते थे, सारी ज़िंदगी मेरी सलाह के लिए बगैर एक कदम नहीं उठाया उन्होंने, और तरसाया कब मुझे, इधर मेरे मुंह से कोई फरमाइश निकलती इधर वो झट पूरी कर देते थे, जब तक जिए फूलों की सेज पर बिठा के रखा था मुझे, और तू कह रहा है कि उन्होंने उसे कड़े तेवरों से देखा कि इसकी आंखों में मचलती शरारत देखकर सब कुछ समझ गई, झुककर जूती उठाई, चांद ने दौड़कर जान बचाई। वो हंस हंस के दोहरा हो रहा था, माँ के साथ मखौल करता है बेशरम, इधर आ जरा, वो भी हंस रही थी और अपने कमरे की खिड़की से माँ बेटे के लाड देखता तारा किसी गहरी सोच में गुम था। छुट्टी के मज़े सिर्फ किस्मत वाले लोग ही लूट सकते हैं, जिनकी किस्मत में काम और बस काम ही लिखा हो इनके लिए हर दिन बराबर होता है। फिर इसकी तो रेस्टोरेंट की जॉब थी, हाँ ये था कि आज के दिन वो कुछ घंटों का ऑफ ले लेता था और जो उमर हबीब खुशी खुशी दे देते थे, ये समझते हुए कि ये वक्त वो दोनों एक साथ गुजारते हैं और इनकी इस खुशफहमी को इन दोनों ने ही बाहिम एतमाद से अब तक बरकरार रखा हुआ था। जबकि यहाँ कहानी कुछ यूँ होती कि जोमीर अपने हफ्ते भर के रुके काम अंजाम देता, अब सुबह उठते ही सबसे पहले लॉन्ड्री का काम शुरू किया था, जब तक कपड़े धुलकर बाहर आते उससे रात की अपनी कारगुजारी याद आई थी, जब खाने के बर्तन यूँ ही उठाकर अमन में छुपा दिए थे, थकावट इतनी थी कि इस वक्त बर्तन धोने का कतन दिल नहीं था, अब याद आते ही सरपट किचन की तरफ दौड़ लगाई, मगर भला हो इस छापा मार का जो इससे पहले ही माल मसरूका बरामद किए खड़ी थी।
ये क्या हरकत है मिस्टर ज़ोमीर, इसके तेवर कड़े थे और लहजा इससे भी सुआ। वो अलावा कान खुजाने के और कुछ ना कर सका। वैसे तो आपने ख़ुद को दुनिया के सामने यूँ रखा है जैसे आप बहुत मेच्योर हैं, रेस्टोरेंट में सब ने आपको रोबोट का नाम दे रखा है, कई लोग आपको मिस्टर परफेक्ट भी कहते हैं, मगर एक्चुअली हालत ये है। इसने इसके हाथ से बर्तन लेकर इत्मीनान से सिंक में डालते हुए इसकी बात खत्म की। मुझे अच्छे नाम देने वाले लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, वो मेरी खामियों को बजाय मेरी खूबियों को देखते हैं। आप भी कभी मोहब्बत की निगाह से देखें तो आप पर आश्कार हो कि और मैं आपको मोहब्बत की निगाह से क्यों देखूंगी, खुदा ना ख्वास्ता। जिस तेज़ी से वो बोली थी ज़ोमीर के हाथ एक पल को साकित ही हो गए। खूबसूरत लोग बेनियाज होते हैं सुना था, मगर इस हद तक शफाक भी होते हैं। वो अपनी आँखों को देख रहा था और अपनी आँखों से देख रहा था। वो हमेशा इससे अच्छे मूड में बात करता था, मगर वो ऐसी ज़ालिम थी, हर बार ऐसा करारा जवाब देती कि वो बेचारा अपना सा मुँह लेकर रह जाता। चलो किसी और ताल्लुक को जाने दो, वो इसके साथ एक छत तले तो रह रहा था, इसके डैड का ख्याल रख रहा था, इनका रेस्टोरेंट संभाल रहा था और तो और बिला मुआवजा इसके शॉपर की ड्यूटी संभाल रहा था। वो इसी का लिहाज रख ले कभी, लेकिन इससे तो शायद कोई तवक्का ही अबस थी। वो मुंह फेरे बर्तनों पर फोम रगड़ता गुस्सा उतारे गया और मरे पर सौ दुर्रे, इसी को कहते हैं शायद, कि इसी पर जैनी का सेलफोन गुनगुनाया था। इसने एक हाथ से फ़ोन कान को लगाया, दूसरे हाथ में ताज़ा एप्पल जूस का ग्लास पकड़े वो वहीं करीबी काउच पर बैठ गई। दूसरी तरफ हरी था जो उसे आज का दिन अपने साथ गुजारने की दावत दे रहा था। ओह सॉरी डियर, आज तो बिल्कुल भी फरागत नहीं है, बहुत काम है, मुझे इतनी लंबी लिस्ट है ना, अगर सुनाने लगी तो यहीं शाम हो जाएगी। तुम ये प्रोग्राम नेक्स्ट हॉलीडे पर रख लो, तब ना मैन और जोली को भी साथ ले लेंगे, वो इससे कह रही थी और वो यकीनन इसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। थोड़ी तकरार के बाद इसने हंसते हुए कहा, ओके स्वीट हार्ट, आई एम वेटिंग, तुम जल्दी से पहुंचो, मेरे साथ काम करवाओ, फिर जहां कहोगे चलूंगी। वो बात करते करते उठकर अपने कमरे की जानिब जा चुकी थी और ज़ोमीर का शिद्दत से दिल चाह रहा था सारे धुले बर्तनों का फर्श पर उठा के पटक दे, मगर क्यों, आखिर ये दो लफ्ज़ इसने आकर पूछ लिए तो क्या जवाब देगा। बस इसी ख्याल से इसने ख़ुद को रोक लिया था। इस किस तक इतना ही, बाकी अगले हिस्से में।